Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गंगा में नहाने के लिए जा रही थी। जाते समय विष्णु प्रिया ने मैया सची को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने पर मैया सची ने उसका आशीर्वाद दिया, बोले बेटी सौभाग्यवती भव, बड़े सुंदर आशीर्वाद दिया। लेकिन विष्णु प्रिया की चरित्र, उसकी स्वभाव, उनकी शीलता, उनकी रूप देख करके मैया सची तो मुग्ध हो गई। बोले ये मेरे बेटे के लायक ही है, लड़की है, बहू है। इतने में श्री सची मैया ने काशीनाथ नाम का एक विद्वान पंडित, जो कि बीच में, जिनको बिचुआली कहते हैं, जो बीच में शादी करवाने वाले होते हैं, बात करने वाले, तो उनको बुला करके बोले जाओ तो उनको परिवार से बात करो, वो क्या मेरे बेटे साथ को साथ में अपना बेटी की शादी देना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने बात किया, उन लोगों ने सहर समय बड़ा प्रसन्न हो बोले निमाई पंडित, निमाई पंडित को साथ में हमारी बेटी की, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। इतने बड़े जो विद्वान उस समय महाप्रभु, कितने बड़े विद्वान थे, केशव काश्मीर को उन्होंने परास्त किया, बड़े बड़े विद्वान को उन्होंने छक्का छुड़ा देते थे। भले ऐसे विद्वत विद्वान को साथ में है, जिसको पास में एक दो मास अगर कोई बच्चा पढ़ ले उसको धुरंधर पंडित बना देते थे। भले ऐसे व्यक्ति को साथ में हमारी बेटी की शादी, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। राजी हो गए, बोले कोई बात नहीं, हम अपना बेटी को शादी दिलवाना चाहते हैं। अभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री बुद्धिमंत, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु का शादी में जो कुछ लगेगा सारे व्यवस्था मेरा है, ऐसे हम शादी कराएंगे जैसे राजा महाराजा का शादी होता है। राजा महाराजा जैसे शादी करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राजा का राजा है ही है, और साक्षात विष्णु प्रिया वो तो माँ लक्ष्मी है। उन्होंने बोले सब कुछ दायित्व तो मैं ग्रहण करूंगा, शादी में जो कुछ पैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर रूप में बोले महाप्रभु का घर को इतने सुंदर सजाया जाए जैसे राजा महाराजा की जैसे शादी हो, बड़े सुंदर में धान्य धूप आम्रपत्ता और बड़े सुंदर चंद्रताप, बड़ा सुंदर देख करके महाप्रभु का घर को सजाया गया। और सचमुच से ऐसे धूमधाम में शादी करवाया कि तो शादी में नीचे इतने, जैसे लोग का दान दक्षिणा देते हैं ना, इतने चीज उन्होंने दान दक्षिणा रूप में दिया कि तो और 5 शादी हो जाता। जो चीज उसमें नीचे जो गिर पड़ा है, इतने उन्होंने दान दौलत को उन्होंने उन्होंने ऐसे दिया है। इतने में जो उनकी जो पिताजी सनातन जी, उन्होंने कहते विष्णु प्रीति काम करी श्री लक्ष्मी लक्ष्मी पिता प्रभुर श्री हस्ते समर पिला दुहिता। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु हाथों में विष्णु प्रिया को हाथ उन्होंने है उन्हें संकल्प करते हुए उनका हाथ में उन्होंने उनका हाथ समर्पण किया। और वहां पर इतने आनंद, उनको इतना आनंद दिया कैसे, जैसे नग्न जीत है, कहते नग्न जीत जैसे अपना बेटी सत्या को श्री कृष्ण को साथ में दिया था। कहते जो नग्न जीत, कहते उनको जो पिताजी सत्या थे उनका एक संकल्प था। बोले क्या संकल्प, बोले 7 सांड है और उनका जो सींग है ना, इतने नोकीले सींग है, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो पेट फाड़ देंगे, ऐसे भयंकर सांड थे। लेकिन राजा का संकल्प था मेरी बेटी की सत्या की उसी को साथ में शादी होगा जो एक साथ में 6 सांड को नाक को नथ दे। कोई भय के मारे कोई नहीं गए, क्यों, जो जाता था नग्न, नग्नजीत बड़ी सुंदरी थी, है राजकन्या थी, जो जाते थे ना साथ, क्या एक सांड को ही पकड़ नहीं पाते थे, इतने नोकिले नोकिले उसका सींग पर फाड़ देता था। कितने राजकुमार तो मरे बेटी को साथ में शादी करने के लिए। लेकिन जब कृष्ण गए, बोले भैया एक साथ में 7 सांड को नथना पड़ेगा, नाक में है क्या रस्सी लगा करके उनको पकड़ना पड़ेगा। बोले भैया जिंदगी भर तो यही काम मैंने किया है, क्योंकि कृष्ण बचपन में क्या करते थे, ग्वाल आना गैया चराया करते थे, कहते बचपन में मैंने तो यही सारे काम किया है, यही काम किया, ये कोई मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है। उन्हें 7 सांड को नाक डाली, फिर तो नागनाथ जी को साथ में उनकी शादी हुई है।
नागन जी और कहते बेटी हाँ कहते जाम्बवान है, कहते जाम्बवंत, कहते इनका बेटी भी थी जाम्बवती थी, है जाम्बवती थी। हम लोग सब भागवत में कथा आती है जब उस मणि को लेकर के है, और मणि को लेकर बड़ा समंतक मणि लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई, और कृष्ण जब अंतर में गए देखा इसको एक शेर ने है, एक शेर ने मार करके किसको, हाँ पहले शेर ने मार करके किसको मार करके सतरा जी था उसको भैया का पुरुषैन, हाँ पुरुषैन ने उसको पहन कर गया था जंगल में, जंगल में गया था तो पहले कृष्ण वो मणि सेमंत का मणि था जिसको सूर्यदेव ने मित्रता थी सत्राजित को साथ में उनने दिया था सत्राजित को, जिसमें अष्टभार सुवर्ण अपने आप सुवर्ण सोने की चट्टान अपने आप निकलता था अष्टभार सुवर्ण। अभी अभी कृष्ण के पास में खबर जाते ही कृष्ण ने वो मणि को उन्होंने कृष्ण ने मांगा लेकिन उन्होंने कृष्ण को नहीं दिया, नहीं दिया तो उनके भैया प्रसन्न ने वो मणि पहन करके गया था जंगल में, इतने में एक शेर ने उसका धावा किया पकड़ करके उसको मार करके लेकर चला गया। तो चला गया इतने में बड़ा बदनामी हो गया, सत्राजित का जो शंका कृष्ण को ऊपर चला गया, क्यों चला गया बोले कृष्ण एक बार उन्होंने ये मणि को मांगा था ये मणि हमें दे दो, क्योंकि भगवान है ना सारे ऐश्वर्य का भोग तो भगवान ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन उन्हें बोले जब सूर्यजन हमने दिया आपको क्यों दूं, इसलिए दिया ही नहीं वो मणि नहीं दिया, इसलिए एक बार कृष्ण बोला था है? बोला था तो जब शेर ने मार कर ले गया, अभी जब पता चला मेरे भैया को ऐसे ऐसे किसने मार डाले और मणि ले लिया, अभी उसने अपना पत्नी को ये बात बोल दिया, किसको बोल दिया सत्राजित ने अपना पत्नी को ये बात बताई कृष्ण कभी मणि मांगे थे मैंने दिया नहीं, होना हो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बोली बात किसको बोलना नहीं, अगर आप किसको बोल दिया ये बात बोलना नहीं फिर तो उसको मन में खिलबिल मच जाती है, और स्त्रियों को पेट में तो कोई बात कभी रहती नहीं है, स्त्रियों को बात पेट में क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का अभिशाप है ना, है अभिशाप है कहते स्त्री की अगर कोई बात बोल दिया ना, अगर बोल दिया बोलना नहीं फिर तो बोल कर छोड़ेगी है, मतलब क्यों बोल दिया बोलना नहीं, क्या इसमें रहस्य है। अब ये बात चलते 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 कृष्ण को पास में गया, पर कृष्ण अपना बदनामी को हटाने के लिए ढूंढने के लिए गए, देखा है कि शेर ने उसको मारा, शेर का पंजा को फॉलो किया तो देखा और एक भालू को शेर के साथ में लड़ाई हुई, वो भालू ने इस मणि को लेकर के चला गया हाँ, शेर को मार करके, फिर भालू को देखा तो एक गुफा को अंदर में गया, इतने में अन्य सामंत को कृष्ण बोले तुम लोग यहीं खड़े रहो मैं जा करके देखता हूँ गया का। जब अंदर में गए हाँ? जब अंदर में गए देखा एक सुंदर बच्चा वो मणि से खेल रहा है, जब इतने कृष्ण झपटने के लिए गए किसी ने जा करके बच्चा ने चित्कार किया तो किसी ने जा करके जाम्बवान को बोल दिया कहाँ से एक सुंदर व्यक्ति आया वो मणि छीनना चाहते पर जाम्बान झपटा, फिर तो कृष्ण को साथ में 21 दिन तक लड़ाई हुई, और जो लोग कृष्ण को साथ में गए थे ना वो 2-4 दिन तक तो गुफा को सामने खड़े हुए, खड़े होकर देखे भैया क्या हो गया कृष्ण गए तो आए नहीं, होना हो तो अंदर में तो मारा नहीं गए, इसलिए वो सन्निक क्या होगा वहीं से सन्निक वहीं से वापस चले आए। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते देखो ये द्वारकाधीश व्यक्तियों का प्रेम देखो और ब्रजवासियों का प्रेम देखो, क्या प्रेम फर्क क्या है, कृष्ण जब काली हरद में कूदे जब कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में प्राण त्याग देना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण के बगैर हम रह ही नहीं सकते, सबके सब कूदने जा रहे थे प्राण त्याग करने जा रहे थे, इतने में बलदेव प्रभु ने किसी तरह से उनका जान बचाई, बोले चिंता मत करो अभी अभी कृष्ण आने वाला है कोई चिंता मत करो, जब कृष्ण वापस आएगा अगर तुमने सबके से प्राण त्याग दे दिया फिर कृष्ण को प्रेम को देगा कृष्ण के साथ में खेलेगा कौन, कोई चिंता मत करो कृष्ण जल्दी, किसी तरह से बलदेव प्रभु को रोक रहे थे, इतने में बलदेव प्रभु इशारा किया बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो, एक मरे गरे सांप के साथ में क्यों लड़ रहे हो,
लड़ना तो मेरे साथ में लड़ना, जो बलदेव प्रभु एक अनंत देव है, बलदेव प्रभु अनंत देव है ना, नाग शेष नाग है। अगर खेलना तो मेरे साथ तो खिलाकर अनंत नाग को साथ में, एक मरी गरी के सांप को साथ में खेल रहे हो। देख तेरे विरह में सारे ब्रजवासी प्राण त्याग करना चाहते, जल्दी जल्दी करे करे क्या। फिर तो कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाया, कृष्ण अपना शरीर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरीर को उन्होंने खूब मोटा किया। इतने मोटा करते 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 धीरे कृष्ण झट पतला बन करके निकल कर आ गए। हैं यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो और द्वारका वासियों का प्रेम देखो, ये कृष्ण विरह में प्राण त्याग देना चाहता। और यहाँ पर क्या हुआ, जब कृष्ण 2 4 दिन हो गया, बोले भैया कृष्ण तो मर नहीं गए, कृष्ण तो मर नहीं गए, अंदर में गए तो गए, कोई आवाज नहीं आ रही, सबके सब वहां से वापस चले गए, सबके सब वहां से वापस। तो देखो द्वारका वासियों का प्रेम देखो, है इनका अंदर प्रेम है ही नहीं कृष्ण के प्रति। इसलिए अंदर में जब उनको लड़ाई हुई, लड़ते 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 इतने में जामवान, कौन सा जीव के जामवान थे, त्रेता जीव के, कृष्ण कौन सा जीव के, द्वापर जीव के, और त्रेता जीव के व्यक्ति कितने लंबे चौड़े होते थे। और द्वापर युग में हर युग में लोग धीरे 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 घटते जा रहे हैं, कृष्ण छोटे वो लंबे चौड़े जामवान, और राम उस समय आप रामायण देखे ना, उन्होंने रावणों के मारे गदा, रावण एकदम तो बेहोश होकर गिर पड़ा, इतना पराक्रम था ये जामवान है। इसलिए कि जिस समय भगवान, जिस समय है वामन देव ने जिस समय त्रिविक्रम रूप धारण किया ना, तो उस समय में उन्होंने कहते 7 बार उन्होंने परिक्रमा लगा दिया था, 7 बार परिक्रमा लगा दिया था, बड़े बलवान थे। लेकिन उसने देखा कृष्ण जब मारते हैं, एक चोट से उनका हड्डी पसीना एक हो रहा था इतने ऐसे मारते समय, लेकिन कृष्ण का कुछ हो ही नहीं रहा था, कृष्ण को जो हो ही नहीं रहा था, युद्ध करते 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 करते, और धीरे 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 जामवान का जो बल है ना, धीरे 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 क्षीण होता है। लेकिन कृष्ण के अंदर में जो फुर्ती है ना, तब नहीं हो रहा था, है कृष्ण की फुर्ती कब नहीं। जामवान ने देखा, भैया ये क्या बात है, मैं त्रेता युग के द्वापर युग के, लेकिन धीरे धीरे मेरी बल क्षीण होते जा रहे, इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसमें तो बड़े फुर्ती में है। इतने में कहते हैं जब से जामवान ने कृष्ण का छाती के ऊपर में जब प्रहार करने के लिए गया, इतने में देखा भगवान की छाती में श्रीवत्स लांछन जो चिन्ह है भृगु लता जो चिन्ह है भगवान की बक्के स्थल में। अरे ये तो केवल भगवान की बक्के स्थल में होता है। इतने में बोले जामवान, आप तो मेरे प्रभु को ही राम तो नहीं, आप तो मेरे प्रभु ही राम तो नहीं। बोले राम तो है ही नहीं, लेकिन मैं श्याम हूँ, राम नहीं मैं श्याम हूँ। फिर तो समझ गए मेरे प्रभु है मेरे प्रभु। बोले प्रभु आपको साथ में मैंने लड़ाई युद्ध किया, मेरी अपराध हो गया, माफी मांगी, इसलिए मैं एक चीज देना चाहता हूँ, श्रीमंत को मणि को साथ में अपना बेटी को मैं शादी देना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे बेटी को आप स्वीकार कर। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते श्री जाम्बवंती को साथ में जैसे शादी, और रुक्मिणी को साथ में, रुक्मिणी का बात सब जानते हो, रुक्मिणी कृष्ण की कथा सुनते सुनते बचपन में उसकी रोम रोम में ही कृष्ण बैठ गए। नारद को पता था ये लक्ष्मी स्वयं, वो आ करके कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर मधुर कृष्ण की पराक्रम की कथा सुनाया करते थे। कृष्ण कमल जो 6 दिन में थे पुतना को मारे, 1 महीना में सकड़ा शुरू को, 3 महीना में त्रिणापद को, 4 साल में बकासुर को, 5 साल में अघासुर को, 6 साल में कालिया तक के, 7 साल में गिरिराज गोवर्धन उठा लिए। फिर कंस को कैसे पछाड़े, हैं कंस कैसे पछाड़े, कृष्ण की पराक्रम की कथा सुना 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 करे करके ना उसकी रोम रोम में ही कृष्ण बैठ गए। तो यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं ये जो कथा है ना, इसलिए रुक्मिणी कृष्ण के पास जो पत्र लिखती है, कहते हैं प्रभु आप मेरे को भी नहीं देखे, मैं आप, लेकिन आपकी कथा सुनते 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 मेरे रोम रोम में आ बैठे। देखो जैसे अभी है, एक के बात क्यों करते पागल तो। इसलिए कि देखो हम लोग कोई कृष्ण दर्शन नहीं किया है, तो यहाँ पर कहते हैं जो जो प्रेम है ना, प्रेम कैसे होता है कथा से। अभी तक तो हम लोगों ने कोई कृष्ण दर्शन
नहीं किया है, लेकिन नहीं करने पर भी कृष्ण कथा ऐसे है, कृष्ण कथा ही ऐसे है, केवल उनकी कथा सुन करके देखो, घर बार छोड़ छाड़ करके अपना पिता माता भाई बंधु परिवार कुटुंबी कुटुंबी अपना नौकरी चाकरी हाँ पढ़ाई लिखा घर बार, इतना आसानी नहीं है ये जो चीज है ना, इतनी आसानी चीज नहीं है। कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य विषय छाड़ी हाय वैराग्य, करोड़ों जन्म का सुकृति रहने पर तभी घर कोई छोड़ता है, ऐसे कोई नहीं छोड़ता है। इसलिए गोपियां कहती है तुम्हारी कथा सुन करके ना, बोले खबरदार तुम्हारी जो कथा है, गोपियां कहती हैं हैं बोले प्रभु ये कथा नहीं, तुम्हारी जो कथा सुनते हैं ना, गोपियां मना कर देती हैं, बोले देखो ये जो साधु लोग है ना ये कैसे है, ये सब के सब प्याद है, गोपियां कहते प्याद है। हाँ जदन चरित लीला करना पीयूष विभ्रोट सकृत दधन द्वंद धर्म विनष्टा, इसलिए कहते खबरदार इनका चक्कर में मत पड़ा करो। साधु लोग क्या करते हैं ना, बगल में भागवत दबा दबा कर घर घर गांव गांव में जाते हैं, तो कथा सुनाएंगे, बोलो कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, कोई कथा सुनाएंगे, आओ सब कथा सुनो। बस सुना 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 करके ये क्या करते हैं, सब पागल बना देते हैं सबको, सबको पागल बना देते, कथा सुना 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 करके बिना पैसा भी कथा सुनाएंगे, और सुना सुना करके अपना भी घर गृहस्थी कुछ है नहीं, दुकान सबका भी सबको घर बार सभी कुछ बर्बाद कर देते, खुद का भी घर नहीं और ये किसका भी घर नहीं रखते हैं, हैं इसलिए किसका भी घर नहीं रखते। इसलिए जब पार्वती जब ये सती जब तपस्या कर रही थी ना, शंकर जी सप्तरी सेवक को भेजा, बोले जाकर उसको परीक्षा करो क्या सचमुच से मेरे को पढ़ना चाहते हैं। इतने में सप्तरिस लोग आकर के सती को भड़का रहे हैं, बोले नारद जी की कथा सुनकर तो तपस्या कर रहे हो, नारद जी के अभी तक तो उसका अपना घर गृहस्थी है, उसका अभी कोई घर गृहस्थी है, ये खुद का नहीं भी और किसका भी घर गृहस्थी करने नहीं देता है ये कभी, इसके चक्कर में जो पड़ गए ना हो गया उसका। तुमने सुना कि नहीं, दक्ष हमारे श्री दक्ष ये हमारे श्री नहीं दक्ष दक्ष ने 10,000 संतान को जन्म दे करके उन्होंने क्या किया था, बच्चों को नारद जी के पास में पढ़ने के लिए भेजा, ऐसे पढ़ाया ऐसे पाठ पढ़ाया ना उनको पूरा घर बार बर्बाद कर दिया उसने, सारे घर बार छुड़ा दिया, ऐसे ऐसे प्रश्न किया, बताओ तो ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार कोई घुस जाए ना निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, बता सकते हो ऐसे कौन सा बिल, बोले नहीं, बोले घर गृहस्थी एक बार अगर चले गए ना देखने में तो बड़ा सुहावना लगता है, जैसे सोने की कलसी हाथ घुसाओ तो जहर जहर उसके अंदर में, वो ऐसे के बिल है ना जिसमें एक बार गए गए तो गए वहां से वो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा है, इसलिए बता सकते हो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, बता सकते हो, बोले नदी तो एक तरफ में बहती दो तरफ में कौन सा नदी, बोले जन्म और मृत्यु, बोले जानते हो ऐसे कौन सा हंस वो जो विचित्र विचित्र बात बोलता है, बोले हंस कहाँ बोलता है, बोले यही तो बात है विचित्र बात बोलता है हंस, बोले कौन है, बोले हमारी गीता भागवत वेद पुराण, वो क्या कहता है, बोले सब संसार झूठा है कोई किसका है नहीं, इसलिए तुम रिफ्यूज होकर यहाँ पर आए हो, ब्याज तो गढ़ है अपना घर में वापस चलो, अपना घर में चलो, ये तुम्हारी घर नहीं है, ये तुम्हारी घर नहीं, घर नहीं। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय एक बूढ़ी माता जी कहीं है, ये जीत प्रभु कथा है, इसलिए एक बूढ़ी माता जी कहीं जाना चाह रही थी, तब तो उसने कि टिकट काटा है, जो टिकट काटा जिसमें था 20 नंबर था, वो टिकट का बस का 20 नंबर का अगर टिकट बनाए, अभी जाना चाहती है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन अनपढ़ लिखा पढ़ा है ही नहीं, टिकट काटे जब बस को अंदर में गई देखा पूरा बस खाली, और उसको पता लिखा पड़ा तो है ही नहीं, वो बैठ गया 50 नंबर सीट, थोड़ी देर बाद में 50 नंबर सीट वाला आए, बोले माता जी खड़े हो जाओ ये हमारी सीट है, बोले आपका सीट, बोले हाँ, तो उसने जाकर सीधा 40 नंबर सीट में बैठ गई, थोड़ी देर बाद में 40 नंबर सीट वाला आए, बोले माता जी खड़े हो जाओ ये मेरी सीट, बोले भैया मैंने टिकट बनाया मेरे को बैठने क्यों नहीं दे रहे, क्या चक्कर है, फिर वो 30 नंबर सीट में बैठी है, थोड़ी देर बाद में 30 नंबर सीट वाला है, बोले माता जी खड़े हो जाओ ये सीट हमारी, बोले ये क्या
क्या बात, हम बैठने नहीं देते, मेरे पास में टिकट है। बोले कहाँ पर बैठने पर कोई मेरे को हटाएगा नहीं, कहाँ पर? देखा जो ड्राइवर का सीट बढ़िया लग रहा था, बोले अगर यहाँ पर बैठ जाए ना, मेरे को कोई मेरे हटाएगा है ही नहीं। इसलिए उसने जाकर सीधा ड्राइवर का सीट बैठ गया। बढ़िया अकेला सीट, वाह बढ़िया जगह है, यहाँ पर कोई है नहीं। ड्राइवर गया था नाश्ता के लिए, जब देखा सब लोग आ गए, फिर वो आया, आकर देखा वो उसका सीट में बूढ़ी माता जी बैठी हुई। बोले माता जी उठिया। बोले बाप तेरे पाप पड़ता हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ से मत हटाया करो। मैं पूरा बस घूम गई, मेरे को कोई बैठने नहीं दे रही, बढ़िया सीट, अकेला आराम आ रहा है। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, मेरे बगैर ये गाड़ी चलेगी नहीं। बोले बाबा तेरे पाप पड़ता हूँ, तुम मेरे को तंग मत क्या करो है, पर पूरा बस में घूम गई, मेरे को मत उठाओ, मैं बढ़िया आराम से। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। बोले उसमें क्या हो गया, बढ़िया सीट है। बोले टिकट बनाया। बोले और क्या, एसी में टिकट थोड़ी हूँ। बोले टिकट कहाँ? बोले देख टिकट बनाया, देखा उसमें लिखा हुआ 20 नंबर है, 20 नंबर, सारे सीट तो भरा हुआ, वही नंबर केवल खाली। बोले आज तुमको मैं बैठा देता हूँ जहां पर बैठने पर कोई नहीं हटाएगा। बोले कोई नहीं हटाएगा? बोले नहीं। बोले यहाँ पर बैठो। तो बोले कोई हटाएगा नहीं? तो बोले कोई नहीं हटाएगा, सीधा घर में पहुंच जाओगे। वहां सीधा घर में पहुंच गया। यहाँ पर सिखा देते हैं, हम भी टिकट बनाया एक, लेकिन जाकर रंग सीट में बैठ जाते हैं, 50 नंबर कभी बैठ गए, कभी 40 नंबर में, कभी 30 नंबर में। मतलब क्या, अपना घर बनाया, कितना साल तक पढ़ाई लिखाई किया, 25 साल तक लिखाई पढ़ाई किया, दिन में 8 10 10 घंटा काम करते करते कि नहीं, कितने कष्ट से हम पैसा कमाते हैं, दिन रात एक करके किसी तरह से एक छोटे से घर बनाया। लेकिन क्या घर में रह पाओगे? घर में क्या रह पाएंगे? वो घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन बाद, कुछ दिन जब बूढ़ा हो गए, मर गए, फिर दूसरे जीवन में गए, फिर 20 25 साल फिर लिखाई पढ़ाई कर, फिर उनने कष्ट करके पैसा कमा कर छोटी सी किसी घर बनाया, फिर उसको बाद में क्या वहां रह पाओगे? फिर उसको छोड़ना पड़ा। ऐसे जन्म जन्मांतर से पकड़ रहे, छोड़ रहे, पकड़ रहे हैं। हर जीवन में नया घर बनाओ और उसको छोड़ो, लेकिन कब तक छोड़ते रहोगे? बोले ड्राइवर कौन है? बोले सदगुरु है। ड्राइवर कौन है? ये सदगुरु। जब तक सदगुरु हमें लेकर के अपना सही अपना सीट पर नहीं बैठा देते ना भैया, तब तो क्या होगा, तब तक भटकते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, भटकते रहो। इसलिए इसलिए नारद जी कहते उनका चक्कर में जो पड़े है ना बाबाओं को, चक्कर में उसका हो गया काम, हो गया सारे हैं, खुद का भी घर, गृहस्थी, दुकान वुकान, घर घर कुछ है नहीं, बस तुम्हें भी ऐसे पागल बना देंगे हैं, ये सब पागल है, दूसरों को पागल। ये लगे तो खबरदार, इनकी बात में बताना, इनकी बात में नहीं आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते श्री नारद जी हैं, नारद जी रुक्मिणी को बचपन से कृष्ण कथा सुना सुना करके हैं, क्योंकि ये कथा ही ऐसे की चीज है, कथा ही ऐसे की चीज है जिनकी महिमा सुनते 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 उनको प्रति इतना विश्वास कृष्ण का प्रति हो जाता है, अपना घर मकान दुकान सब छोड़ करके क्या करते हैं, सब बाबा बन जाते हैं, सब बाबा बन जाते हैं। रुक्मिणी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा सुन सुन करके, तुम्हारी कथा में ही ऐसे जादू है, केवल तुम्हारी कथा सुनते 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 मेरा मन प्राण चित्त आपका प्रति लग गया है। अगर आप अगर हमें यहाँ से उधार नहीं करोगे, इस जगत में स्त्रियां जिसको पति रूप में वर्ण करती, किसको, ये टाटी पेशाब खून पी एक जो शरीर से बना हुआ और कुछ नहीं, शरीर में क्या है, यही चीज है ना, उसको ही पति बोलते हैं। लेकिन कब तक, उस दिन बाद में शंखा टूट जाती है, सिंदूर मिट जाती है, मांग खत्म हो जाती है, 2 दिन फिर दूसरे जीवन में फिर दूसरों को पति रूप में। इसलिए कहते ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, इसलिए बर बरी गोपाल जसो जो जुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे रुक्मिणी है, जैसे रुक्मिणी
और भीष्मक महाराज का बेटी से रुक्मिणी, इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं। और जनक, जनक महाराज की बेटी कौन है? श्री सीता। और कैसे भगवान राम ने कैसे सीप धनुष को तोड़े हैं, तोड़ करके उन्होंने श्री सीता माता जी को साथ में जैसे शादी हुई, कहते यहाँ पर ठीक ऐसे ही कहते से विष्णु प्रिया की जो पिता थे ना, जिसका नाम था, क्या नाम था, अरे बोलो क्या नाम था, सनातन, जिसका नाम था सनातन, विष्णु प्रिया जी इसलिए उनको पिताजी का नाम था सनातन नाम था, इसलिए कहते सनातन ठीक जैसे हैं, जैसे नागनजीत के साथ में कृष्ण की शादी हुई, जैसे श्री जांबवंत, जैसे भीष्मक, जैसे जनक बड़े प्रसन्न हुए थे, ठीक सनातन ने ऐसे ही श्री विष्णु प्रिया को महाप्रभु के साथ में शादी दे करके उन्होंने ऐसे ही प्रसन्न हुए। और वो शादी इतना सुंदर था, लोग उदाहरण दे रहे थे जैसे गौरी है, जैसे गौरी शंकर जैसे ये दिख रहे हैं, जैसे कमला और हरी लक्ष्मी नारायण जैसे दिख रहे हैं, कामदेव रति जैसे दिख रहे हैं, इंद्र सची जैसे दिख रहे हैं, और सीता राम जैसे दिख रहे हैं। महाप्रभु विष्णु प्रिया की जो जोड़ी थी, महाप्रभु का शादी होने पर महाप्रभु ने सबको उन्होंने यथाजग उन्होंने दान दक्षिणा सबको दे करके उन्होंने सबको उन्होंने तृप्त किया है। और बुद्धिमंत खान ने हैं, उन्होंने महाप्रभु बुद्धिमंत खान इतने धन दौलत उन्होंने लुटाया, महाप्रभु उसके ऊपर में विशेष विशेष उसके ऊपर में कृपा की है। यहाँ पर कह रहे हैं अगर ये लीला को जो श्रवण करेगा ना, ये जो लीला को श्रवण करेगा उसका फल क्या है, तो उसका फल है एक दिन महाप्रभु का परिकर बन करके महाप्रभु का लीला में प्रवेश प्राप्त करेगा, अगर ये कथा कोई श्रवण करेगा। बोले श्री विष्णु प्रिया की, बोले सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। उसको बाद में आता है यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर जी की कथा पे, कहते श्रीमन महाप्रभु जब गृहस्थ लीला कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु अपना आप तो उन्होंने प्रकाश किया है, लेकिन उन्होंने बाहर रूप में कहीं उन्होंने प्रकाश नहीं किया, प्रकाश किया है लेकिन विशेष विशेष भक्तों को पास में महाप्रभु ने प्रकाश किया। बोले किसको किसको पास में महाप्रभु अपना स्वरूप प्रकाश किया, किसको किसको पास में, बोलो बोलो किसको किसको पास में प्रकाश किया है, सही ठीक है, और किसको पास में, और किसको पास में, और अभी तो हुआ ही उन्होंने श्री केशव कश्मीर को पास में अपना स्वरूप प्रकाश किया, और तैथिक को विप्र को पास में महाप्रभु ने अपना स्वरूप को प्रकाश किया, लेकिन जिनियों को पास में प्रकाश किया है उनको महाप्रभु ने मना किया है, तो जब तक मैं अपना लीला स्वयं प्रकाशित नहीं करता हूँ मेरे जो प्रकाश जो किया किसको बोलना नहीं, अगर बोलोगे ना महाप्रभु ने चक्र देकर काट दूंगा सर, महाप्रभु सबको उन्होंने मना किया है। अभी क्योंकि महाप्रभु इच्छामय है, लेकिन अभी महाप्रभु जिस समय आए उस समय में जगत भक्ति शून्य जगत है, हैं? लेकिन लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग आपस आपस में गीता भागवत पढ़ते हैं, आपस आपस में हरि कीर्तन करते हैं, लेकिन उसी समय भी पाखंडी लोग थे, उस समय भी पाखंडी लोग थे, हैं? इसलिए नवद्वीप को क्या बोलते, जगा माथा के देश, जगाई माधा देश, जगह नहीं जहाँ पर जगाई माधाई जहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उस समय भी कुछ पाखंडी लोग थे, वो लोग क्या बोलते थे, बोले कोई काम धंधा है नहीं, हरी हरी दिन भर हरी हरी बोल करके फिर रात भर हरी हरी करते हैं, सोने नहीं देते हैं ये लोग, हंसे को सब तंग करते हैं, इनके घर बकान को उखाड़ कर सब बहा दो गंगा, कोई काम धाम नहीं, और हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, इसलिए कहते पेट पे तो खाने के लिए कोई भात है ही नहीं, रात पे तो नींद आती नहीं, और दिन रात भर क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
इसलिए कुछ कुछ पाषंड लोग क्या करते हैं, बोले ये लोग ईश्वर को क्यों डाकते हैं, भगवान की क्यों डाकते हैं, क्यों? तो तुम भी तो ब्रह्मा हो, ऐसे कुछ लोग भी थे हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि हैं सर्वम खलुइदं ब्रह्मम। इसलिए उस समय भी कुछ लोग थे, बोले तुम तो ब्रह्मा हो, तुम किस लिए हरि हरि बोले, हरि क्यों कहते हो, भगवान क्यों पुकारते हो? लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने वहां पर पाषाणी लोग को बोलते, क्या भगवान का दास क्यों, अपने आप भगवान का सेवक क्यों बनना चाहते हो, अरे भगवान ने बनना चाहो ना। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, हर शास्त्र में प्रमाण है, जीव कौन है, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये प्रमाण है। इसलिए प्रभुपाद ने अपना टीका में कहते हैं, कहते दास दास संबंध में सारे शास्त्र में प्रमाण है, बोले क्या क्या है, बोले सवई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक सजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा सम प्रसिद्ध। ये प्रमाण भागवत में क्या कहते, बोले सभी पुंसांग पर धर्म, पुरुष मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या, जो तो भक्ति रधक सजे, अधक सज को भक्ति करना है जीव का, यही परम धर्म, ये प्रमाण है। और गीता में भगवान क्या बताए, ममई बांस जीवलोके जीव भूत सनातन, जो जीव है भगवान का अंश है, जैसे भगवान सनातन जीव भी सनातन है। इसलिए कति भागवत में ये प्रमाण है, कति श्रुति क्या कहता है, कति कठोपनिषद में जब मैं वैश्य वृणते तस्य आत्मा, अब जो श्लोक याद कर रहे हो ना, जब ये सब मेन श्लोक बाद में ना, ये श्लोक अभी तुम लोगों को इतना पता नहीं चलता कि यहाँ क्यों लौट रहे, लेकिन जब जब कथा करना शुरू कर दोगे, देखो कि यही सब आए, यही श्लोक ही सबका है। इसलिए ये एक, इसलिए उसका नाम क्या रखा, गौड़ीय कंठार, क्या नाम रखा, गौड़ीय कंठार। और एक काम कर सकते हो है, गौड़ीय कंठार, और एक काम, ये गौड़ियों का कंठार होनी चाहिए, हमारे जो भक्तिरंजन सागर महाराज है ना, कभी जो मंदिर में आए हमारे गुरुदेव ने, इनको हाथ में एक गौड़ीय कंठार पकड़ा है और बोले इसमें सारे श्लोकों को, इस श्लोकों को, सारे श्लोकों को याद करो, महाराज खुद बोल रहे थे, बोले सारे श्लोकों को याद करो ये गौड़ीय कंठार। जैसे और एक काम कर सकते हो, जैसे श्लोक को साथ में, कौन सा पुराण में ये श्लोक है उसको साथ साथ में याद करते रहो, ये कठोपनिषद में, ये कर्णोपनिषद में, ये ऐतरेय में, ये गीता में, गीता में अमुक होता है अमुक नंबर श्लोक, अगर ये बोलोगे ना, ये बहुत बड़ी प्रमाण, जैसे गुरु तत्व के ऊपर बोलोगे, अगर वहां पर कठोपनिषद वेद पुराण बहुत सारी जगह का श्लोक अगर बोले अमुक नंबर का, अमुक शास्त्र अध्याय का, अमुक श्लोक है ना, बोले को भैया ये तो सारे शास्त्र पढ़ कर रखा है, ये सारे शास्त्र, कोई शास्त्र पढ़े नहीं, केवल गौड़ीय कंठार पढ़े हो, केवल गौड़ीय कंठार पढ़े हो, इतने काम में आएगा यही श्लोक, सारे काम में आएगा, अगर तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए कोशिश करना उसका नंबर को याद करने के लिए, श्लोक का नंबर को याद करो, नंबर को साथ में याद करो, बहुत काम में आएगा। देखो प्रभुपाद ने यहाँ पर जब उदाहरण दिया, सारे श्लोकों को यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बताया निकम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव सजुतम पीवत भागवत रसमालयम मोर और रसिका भूरी भावुका। प्रभुपाद इस श्लोक को द्वारा प्रमाणित करते हैं, क्या करो, भगवत भक्ति रस को पान करो, मुहुर मुहुर उसको पान करते रहो, हैं पान करते रहो, ये रस को छोड़ना नहीं, यद्यपि ये रस को सभी लोगों ने पान किया, लेकिन पूर्णतम रूप में किसने पान किया, बोले ब्रज गोपियों ने। बोले रस क्या है, बोले कृष्ण के अधरामृत, कृष्ण के अधरामृत ही रस है। हाँ, वो रस को किसने पान किया है, ब्रज गोपियों ने। इसका मतलब है यद्यपि सात दास सख्य बात्सल रस के लोग रस को पान किए हैं, जय जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री दाऊ भैया की, सुभद्रा देवी की, ठाकुर दा की जगमगा रहे, क्या चक्कर है, लाइट है, नया कपड़ा पहने ना, ठाकुर को दर्शन कराओ सबको। इसलिए बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, इसलिए कहते ये रस को पूर्ण तम रूप में, ये रस को किसने पान किए, ब्रज
गोपियों ने ये रस को पान किया है। इसलिए तैतरीय उपनिषद में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बोले रस वै सब रसम जवायाम लब्ध्वा आनंद भवती है। कृष्ण कैसे हैं, वो कृष्ण रस स्वरूप है, कृष्ण रस स्वरूप है। इसलिए कहते मुंडक उपनिषद में तद विज्ञानार्थम स गुरु मावि गच्छेत समेत पाणि सोत्रियम। देखो सारे श्लोक वही सिखा रहे, उसे विज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करो, उपहार हस्त में श्री गुरु जी की चरण में जाया करो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोले आचार्य जवान पुरुष वेद छांदोग्य उपनिषद में ये श्लोक है। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में एतद अक्षर गार्गी विद्युत अस्मात लोको तो पौत्री क्या सुनो, बोलो श्लोक क्या बोलो, ब्राह्मण उच्चते। इसलिए वहां से स्वतासर उपनिषद में जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। इसलिए सारे यहाँ पर सारे श्लोक है, यहाँ पर प्रभुपाद प्रमाण दे करके बताते हैं जो जीव है कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, जीव हर समय भगवान का नित्य सेवक ही है। इसलिए प्रभुपाद ये बात को खंडन करते हैं प्रभुपाद। तो यहाँ पर जो कथा आती है श्री हरिदास ठाकुर जी की कथा को यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर बताते हरिदास ठाकुर की कहते हैं, क्षण के गोविंद नामे नाही को विरक्ति भक्ति रसे अनुक्षण है नाना मूर्ति। हरिदास ठाकुर का चरित्र में बताते हैं, कहते हैं इनका चरित्र क्या है, जैसे हम लोग जैसे थोड़ी कथा सुनते हैं ना, जैसे थोड़ा माला कर दिया, अगर किसी तरह से थोड़ा अगर सोलह माला किसी तरह से खत्म हो गया ना, हम क्या करते हैं, अगर सोलह माला खत्म हो गया ना बोले प्रणाम सराधी ने और दर्शन नहीं होने चाहिए। सराधी ने और भगवान मतलब सोलह माला अगर खत्म कर दिया, नहीं तो कोई आठ माला भी करता है ना, प्रणाम को और नहीं, श्राद्धी ने आपका दर्शन और नहीं भैया हो गया, माला पूरी हो गया, हमारी माला पूरी हो गया है, हमारी ये स्थिति। लेकिन हरिदास ठाकुर का जीवन में कहते हैं, क्षण के गोविंद नामे नाही के विरक्ति भक्ति रसे अनुक्षण है नाना मूर्ति। कहते भक्ति रस में हर समय क्या उनकी शरीर में तरह तरह का क्या है, बोले कभी कभी उच्चे स्वर में रोदन, कभी अटट हास करते हुए हा करते करते हंस रहे तो हंसी रहे हैं, और कभी कभी हैं हुंकार, कभी कभी प्रेम में मूर्छित तो हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द करते थे जो तो शब्दों को कोई समझ नहीं सकते हैं। बोले प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेश ले सकल आसिया ता विग्रह ते मिले। जिस समय हरिदास ठाकुर कृष्ण प्रेम का आवेश में नृत्य करते थे, उस समय उनके शरीर में ये जितना स्वेद अश्रु पुलक वैवर्ण बेपतु जितने अष्ट सात के विकार सबके सब श्री हरिदास ठाकुर जी के शरीर में आकर के प्रवेश करते थे। इसलिए कृष्ण रे प्रसाद हरिदास महाशय जबर रे की दाई काल रे ओ भाई नाई। देखो कितने कितने बड़ी बात कहते, जिस समय लोगों ने शिकायत कर दिया इसको पास में काजी है, बोले ये हरिदास ठाकुर दिन भर क्या करते हैं, कितना भाग्य से ये मुसलमान घर में जन्म हुए, और मुसलमान जन्म घर में हम हिंदुओं का छाया स्पर्श करने से स्नान करते हैं, उनको देखने से स्नान करते हैं, पाप ये सब के सब काफिर है, ये सब के सब ये काफिर सब के सब है, और इनको मानने से क्या होता है, स्वर्ग स्वर्ग जाते हैं, और तू इतना भाग्य से मुसलमान घर में जन्म लिया, और ये तुम क्या हरी हरी हरे कृष्ण क्या सब नाम करते हो हैं, इसलिए खबरदार सब नाम नहीं कर सकते, चलो राजा तुमको बुला रहे हैं। हरिदास ठाकुर के ले गए, लेकिन जो ले गए ना, देखो यहाँ पर कह रहे हैं मतलब कितने जो भगवान को भक्ति करने वाले व्यक्ति है, मतलब जो भगवत भक्ति भजन करते हैं उनके अंदर में कोई डर भय नहीं, इनके अंदर में कोई डर भय नहीं, क्योंकि उनके पूर्ण विश्वास है जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो